हेलो डियर स्टूडेंट, अगला हमारा आकलन तीन है, हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5। देखिए भी निम्नलिखित में से असमान ध्वनि वाला शब्द है, असमान ध्वनि आपको चूज करनी है, छांटनी है। जैसे कंगन, चंदन, पंखा, चांद, यहाँ पर देखो सभी जो शब्द है उन पर अनुस्वार लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है भी अनुनासिक लगा हुआ है। ये चांद है, ये क्या है भी अलग असमान ध्वनि है। सही मेल वाला विकल्प नहीं है, माता पिता, दीदी दादी, जीजी जीजा, ताई ताऊ, यहाँ पर दीदी दादी ये दोनों एक ही लिंग है, यहाँ पर विपरीत लिंग है सारे, माता पिता, जीजी जीजा, ताई ताऊ, यहाँ दादा दादी होना चाहिए था, दीदी आ गया। प्रश्न संख्या 3 देखिए भी, निम्नलिखित समूह में से अलग को छांटिए, सोना सुनार, मिट्टी कुमार, लोहा लोहार, लकड़ी किसान। अब देखो सोना है वो सुनार बनाता है, मिट्टी कुमार के काम आती है, कुमार इसे बर्तन बनाता है, लोहा लोहार के काम आता है तो इसे नई नई चीजें बनाता है, लकड़ी है वो बढ़े के काम आती है, किसान के काम नहीं आती, किसान के हल काम आता है। तो यहाँ पर ये आपका अलग होगा, पर आपको टिक करना है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, अनुनासिक शब्द के डिब्बे में लाल और अनुस्वार युक्त शब्द के डिब्बे में नीला रंग करना है। अब जहां पर अनुनासिक लगा हुआ है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है, वहां पर तो आपको लाल रंग करना है और अनुस्वार युक्त शब्द के नीला करना है। जैसे दांत है, दांत में क्या करोगे भी आप लाल रंग करोगे, झंडा में क्या करोगे भी ये अनुस्वार लगा हुआ है यहाँ पर नीला करोगे, बांस में लाल, पंख में नीला, पांच में लाल, चंदा में नीला, चांदनी में लाल, डंडा में नीला, बंदर में नीला, आंख में लाल। इस प्रकार आपको इन्हें क्या करना है भी, इनमें कलर करना है, इस प्रकार आप इनमें कलर कर सकते हो। अगला 5 नंबर प्रश्न देखिए भी, नीचे लिखे शब्दों में क्रिया शब्द कर जोड़कर नए शब्द बनाने, जैसे छाछ छाछ पिला कर, कर जोड़ना है आपको, आइसक्रीम लिखोगे आइसक्रीम, खिलाकर आइसक्रीम में खिलाकर, दही पिलाकर, पानी पिलाकर, यहाँ दही में आप खिलाकर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भी खिलाकर। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है 6 नंबर, निम्नलिखित रिश्तों को उनके सही स्थान पर लिखिए, जो रिश्ते दिए हुए हैं, रिश्ते क्या क्या दिए हुए भी, मौसी बुआ, फूफा, मामा, भतीजी, चाची, ताऊ, भाई, नानी, मौसा, इनमें 2 कॉलम बनाए हुए हैं। पहला दादी जी का परिवार, इसमें दादा अपने घर में है, दादा दादी उनके परिवार के सदस्य लिखने, या नाना नानी के परिवार के सदस्य उनके नाम लिखने। जैसे मौसी है वो दादा से परिवार से नहीं है, नानी के परिवार से होती है, आपकी माँ है उसकी बहन को क्या कहते हैं भी मौसी कहते हैं। बुआ है, बुआ है वो आपके पिताजी की बहन होती है, तो ये दादा के परिवार की है। फूफा, फूफा क्या है भी बुआ की शादी फूफा से हुई है, तो ये अपने ही दादा के परिवार से संबंध रखता है। मामा है वो नाना के परिवार से संबंध रखता है, मामा नाना का बेटा होता है। भतीजी है वो दादा के परिवार की होती है, काका भतीजी। चाची होती है वो भी क्या है भी दादा की परिवार की होती है। ताऊ भी क्या होता है भी आपके पिताजी का बड़ा भाई है, वो ताऊ है आपका भाई है, भाई है वो क्या भी दादा का परिवार का सदस्य है। नानी है वो नानी नाना की पत्नी है। मौसा है वो भी क्या है भी मौसी का पति है, यहाँ पर क्या जाएगा भी मौसा, क्या लिखोगे भी मौसा, इस प्रकार आपको लिखना है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कविता को पढ़ते हुए अधूरी पंक्तियों को पूरा लिख लीजिए, वह देखो वह आता चूहा, आंखों को मटकाता चूहा या चमकाता चूहा,
चमकाता चूहा, लंबी पूंछ, फिर हिलाता चूहा, लंबी पूंछ, हिलाता चूहा, मक्खन खाता चूहा, मक्खन खाता चूहा। इस प्रकार आप नए शब्द मिलाकर कविता लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, घर में आप कौन कौन से काम करते हैं, सूची बनाइए। घर में जो भी काम करते हो उसकी सूची बनाकर यहाँ लिखनी है आपको। वाक्य भी लिख सकते हो, केवल शब्द भी लिख सकते हो। जैसे घर में हम माता पिता की घर के कार्यों में मदद करते हैं, घर का जितना भी कार्य होता है उसमें हम माता पिता की हेल्प करते हैं। विद्यालय का गृह कार्य भी करते हैं, ये भी हम घर में कार्य करते हैं। पालतू पशुओं की देखभाल भी करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, छोटे भाई बहन को जो होते हैं अपने घर में उनको खिलाते हैं, उनके साथ में खेलते हैं, ये कार्य भी आप करते हो, उनको रखते हो, उनकी देखभाल करते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक।